एमपी साहब गोहाना पहुंचे हो, क्या कहना है? गोहाना जो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भी ये लोगों से अपील है कि ताकि गोहाना का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसके जो रहा हो। पहली बात, हमने कोई कमी नहीं छोड़ दिया, पिछले 5 साल में काम गिना सकते हैं, वो बता सकते हैं। और मैं एक, मुझे इस बात का ज़रूर एहसास है कि इनसे ईमानदार चेयरमैन कोई थी नहीं, इन्होंने इससे नगर पालिका से चाय तक नहीं पिए, चाय भी अपने घर से पिए। इतनी ईमानदारी से गोहाना को बदला है, चाहे स्टेडियम बनाने की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम की हो, चाहे रेलवे स्टेशन के सामने सारी गंदगी साफ करने का काम हो। और इसके साथ केंद्र की सरकार ने, चाहे लोगों कोरोना के दौरान काम करना हो, चाहे फ्री अनाज, जैसे प्रधानमंत्री की पीएमजीआई की स्कीम है, फ्री अन्न योजना है, इतनी सारी योजनाएं गरीब आदमी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने की है। और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी एक अच्छा प्रशासन दिया है, ईमानदारी का किया, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। आज चारों तरफ से नेशनल हाईवे का जाल आपके पूरी पार्लियामेंट में बिछा हुआ है। मैं एक बात कह सकता हूँ, 70 साल के बाद, 75 सालों के पे आज़ादी के बाद कोई नया नेशनल हाईवे इस पार्लियामेंट में नहीं बना था। आज हमने इस पार्लियामेंट में 9-10 नेशनल हाईवे नए निकाले हैं। आप सोनी सो ये गोहाना गोहाना वाला सोनीपत गोहाना जींद है, ये ग्रीन हाईवे पैरेलल रोड इसके और कर दिया, और सीधा देहरादून वाले में जाएगा, हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो सोच कई कई हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं सारे। इसके साथ दिल्ली से कटड़ा वाला रोड है, उसका काम हमारा शुरू हो गया है। इधर जो राजस्थान से कोटपूतली जुलाना और बरोदा हल्के में से होकर गुजरता है, उसका काम पूरा हुआ है, वो भी पूरा हो गया, और उसका भी उद्घाटन अब जल्दी से जल्दी करो। कह रहे हैं कि मैं ये सीट जीत के मुख्यमंत्री की झोली में डाल रहा हूं। ऐसा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल का फूल, और हमारा उम्मीदवार रजनी मानी है, इसके सिवाय कोई नहीं। बहुत सारी चीजें हैं सफाई व्यवस्था को लेके, सफाई व्यवस्था सुन लो, जितनी इस गोहाना में सही है, चाहे नीचे पाइप दबवानी थी, चाहे और काम करने थे, किसी भी शहर में ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं है। और सफाई में भी गोहाना को नंबर वन दिया गया है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर कोई काम ये नहीं कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं पार्षदों नाराज नजर आ रहे हैं, जो पिछले पार्षद थे पूर्व पार्षद रहे हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा है, कोई नाराज नहीं, सब ठीक है। देखो, मैं ये बात तो मैं कहता हूँ, अब भी ये बनेंगे, हम बेईमाना तो नहीं होने देंगे, चाहे कोई कुछ हो। ये है, मैं ये अपना है, और मैं रजनी वर्मानी को, राजू और को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं अपना दावा करता हूँ, 30 साल की राजनीति में सुधरा अंगूठी तो उठा दे, रेल कोच फैक्ट्री मैंने लगवा ली, कंटेनर डिपो हमने बना लिया, रेलवे नंबर 3 ये चला ली, हर काम करना है, काम का लक्ष्य मेरा है। और मैं डंके की चोट कहता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस और सोनीपत में खोल दिया, डिस्पेंसरी है, वो पासपोर्ट के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। भाई एमपी का कोई काम बचा हो, वो मैं जिम्मेवार हूँ, यहाँ नगर पालिका में कोई बचेगा, उसकी जिम्मेवारी है। इन्होंने कभी 1 रुपये की वो की हो, कोई शहर का आदमी कहते हमने चुनाव में वो नहीं मांगे। जो विरोधी प्रत्याशी हैं और वो कह रहे हैं कि गोहाना की जनता 120 करोड़ का हिसाब मांग रही है, ऐसा है, जनता को हमने हिसाब दे दिया, जो मांग रहे ना उन्होंने देंगे। हाँ, जाँच रहने तो, अब सारी जाँच होगी तो किस जाओगे, मैं बताना चाहता हूँ, समझ लें। आज दो आदमी इस तरह बयान दो ना, अपने भीतर गले में झांक कर देखना चाहिए तू है कि मैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता। सब देखो, टिकट तो किसी एक को मिलनी थी, बहुत सारे लाइन में थे, अब वो लोग कहाँ हैं, कुछ अता पता है? ऐसा है, सब लोग पार्टी है जो सही लोग हमारे साथ हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और आज कहता हूँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का प्यार और समर्थन, हमारी जनता समर्थन हमें है, जो उसे अंधेरा का दे उनकी कोई बात में करता भी नहीं जाता। तो आम आदमी पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप के साथ दे उसके चुनाव में है, क्या कहेंगे? उनकी कोई अभी गणती नहीं, कोई बात नहीं, कोई उनके बारे में क्या बोलना चाहिए, कोई बात कहते है नहीं, कुछ नहीं। अब देखा उनका मंत्री जेल में है, कितने पैसे पकड़े गए, अब इसलिए आम आदमी पार्टी के बारे में तो बात करने का कोई मतलब नहीं, ना कोई बात। आम आदमी पार्टी क्या बात करें उसकी, मतलब कुछ हो भी,
दो एक चुनाव सिंबल पलट तीन जने चलो कोई ना सिंबल पलट ले तो बात हो अब रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा कोई रोल नहीं है कोई कुछ नहीं है समझे झूठ की जनता को क्या कहना चाहूँ मैं ये कहना चाहता हूँ एक स्वच्छ छवि की हमारी चेयरपर्सन अरविंद वर्मा ने उसको भारी बहुमत से जिताए ताकि बुहाना का विकास जिस तेजी से पिछले 5 साल में हमने काम किया उससे ज्यादा तेजी से काम करेंगे यही मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा वोटिंग चल रही है क्या कहना है उनमें हम जीत जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है उनमें क्या दिक्कत है कुछ नहीं है भाई हमारा कैंडिडेट तो जीत रहा है उन परेशानी होनी चाहिए जिन जो कर रहे हैं अगर कुछ कुछ दावों का लगा हुआ है तो कांग्रेस का लगा हुआ ही करते हैं बेईमान आपस में चाहे कोई कुलदीप बिश्नोई बयान दे चाहे दूसरा दे कोई कुछ कहे वो तो उनका काम है हमारी पार्टी का काम नहीं डर के साय में बाहर रखा गया सांसदों को क्या बाहर भेजा गया डर के साय में कहीं ऐसा ना हो कहीं विधायकों को उन अपने विधायक में विश्वास नहीं है इसलिए 10 दिन तक बाहर रहा चुका से पता नहीं कहाँ भेजा जब में अपने विधायकों में विश्वास होना चाहिए और ये प्रजातंत्र में विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है वायदा ऐसा मैं वायदे नहीं कराता मैं अपने चुनाव में निकलता आज भी नहीं करता मैं काम करता हूँ वायदे नहीं करता मैं जमीन पर काम हुए दिखा सकता हूँ ये वायदा करा था मैंने नेशनल हाईवे कटवाऊंगा ये सारे ये करवा था दिल्ली से कटरा नेशनल हाईवे को आम लग रहा है ये हमें वायदे में विश्वास नहीं वायदे बतेरे आ जाए मैं नहीं करता मैं ये कहता हूँ काम करेंगे काम किया है जो 5 साल का काम उसको वोट दे लो बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता पार्षद के रूप में खड़े हैं क्या आप उनके लिए वोट मांगने के लिए ऐसा है जो भाजपा के समर्थक हैं उन वो सारे जीत के आएंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने जो निशान दिया है वो सब चेयरमैन के लिए दिया है मैं इसके लिए आया हूँ यही बात मैं करना चाहता हूँ चलो ठीक है।